पेपर वन और पेपर टू का फ्री में कोर्स करने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ। अगर आपका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो डेली वीडियो आ रहा है इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी, आपको कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको हमारा स्टडी भरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्री कोर्स का। आपको अगर डेली वीडियो और पीडीएफ लेक्चर भी चाहिए तो आप हमारा पेपर वन पेपर टू का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेली वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखना जिसे नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ चाहिए या आपको घर बैठे बैठे स्टडी मटेरियल मंगवाना है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। हमें पता है कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उसके बाद लीग ऑफ नेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था उसके बाद बना था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ बना था। तो ये जो है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जी ने 1 मई 1942 में ये जो नेम है उन्होंने दिया था यूनाइटेड नेशंस। बाद में जो है यूएनओ जो है वो 1945 में जो है वो बना था। So let's start with UNO. The United Nations is an intergovernmental organization found in 1945. It has 193 member states. जो United Nation है वो 1945 में जो है वो बना था और इसके 193 जो हैं members थे। The UN works on the principles mentioned in the United Nations Charter. और जो हमारा UN है वो किसके सिद्धांतों पर चलता है? जो भी United Nations Charter में दिया गया है उसके सिद्धांतों के अकॉर्डिंग जो है वो चलता है। The Chief Administrative Officer of the UN is the Secretary General. और जो मेन ऑफिसर होता है वो उसका है सेक्रेटरी जनरल। करंट सिक्योरिटी जनरल ऑफ द UN इज एंटोनियो गुटेरेस। और अब जो करंट सिक्योरिटी जनरल है UN का वो है एंटोनियो गुटेरेस। ही इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN और वो 9th सेक्रेटरी जनरल है। द पर्पस ऑफ द UN, अब कोई भी चीज़ जो बनती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसके कोई ना कोई जो है वो कार्य होते हैं, कोई उनके एम्स होते हैं, कोई उनके लक्ष्य होते हैं। और जो UN है वो किन कारणों से बनी है हम ये पढ़ेंगे। दिस एम ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द UN वर एस्टैब्लिश इन 1945, दे आर एज फॉलोज। जो जिन सिद्धांतों के साथ, जिन नियमों के साथ जो है UN बना था 1945 में वो थी, इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द UN, जो जनरल असेंबली है वो मेन ऑर्गन है UN की। Has universal representation. This means all the 193 members of the UN are represented in General Assembly. 193 जो member हैं इसके वो सब जो हैं General Assembly में participate करते हैं, represent करते हैं। So next one is the annual General Assembly session is conducted in the General Assembly Hall in New York. और जो जनरल असेंबली एनुअली होती है वो कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। द जनरल असेंबली प्रेजिडेंट इज सिलेक्टेड ईच ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। और जो जनरल असेंबली है उसका प्रेजिडेंट हर एक साल जो है सिलेक्ट किया जाता है एक साल के लिए। द नेक्स्ट वन इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एज फॉलोस। और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जैसे हमारे इंडिया में होता है 2/3 मेजोरिटी से, तो यहाँ पर भी बाय सिंपल मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी से होता है। बाय 2/3 मेजॉरिटी मैटर रिलेटिंग टू पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स। जो 2/3 मेजॉरिटी से होते हैं वो कौन से मैटर्स होते हैं? हमारी शांति से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, या नए मेंबर्स की एडमिशन से रिलेटेड हो, वो 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो फॉलो किया जाता है। बाकी जो मैटर्स होते हैं वो किससे फॉलो किए जाते हैं? बाय सिंपल मेजॉरिटी। सो द नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी काउंसिल। अब UN में हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक क्या होता है, जनरल असेंबली बनाई जाती है। सेकंड, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी बनी होती है। द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एज पर द UN चार्टर इज द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। और वो बताते हैं
कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो है मेन जिम्मेवारी यही होती है कि यूएन असेंबली में जो है शांति और प्रोटेक्शन जो है सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। इट हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स विच आर यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके एंड रशिया। इसके 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से हैं वो? यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके एंड रशिया। ऑल द परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर। और सभी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। इट ऑल्सो हैज़ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 1 वोट। और हर एक मेंबर जो है वो 1 वोट डालता है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये हमारी आर्थिकता से, हमारे सामाजिकता से जो है वो संबंधित है। सो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज अ प्रिंसिपल बॉडी मैटर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डिवेलपमेंट गोल्स। और ये जो काउंसिल है वो कौन से काम करती है? इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, उनसे जो है वो डील करती है और वो लागू करती है, ताकि हमारा जो है वो डेवलपमेंट इंटरनेशनली तौर पर जो है वो डेवलपमेंट हम सबकी हो सके। इट हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग 3-year टर्म्स। और इसके 54 मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली से जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के लिए। इट इज़ द UN सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। तो ये टिकाऊ विकास के लिए भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो बातचीत है उस पर डिबेटिंग है, जो नए आइडियाज़ हैं वो इनमें ही जो है डिस्क्राइब किए जाते हैं या व्यू किए जाते हैं, ताकि जो हमारी डिवेलपमेंट, ओवरऑल डिवेलपमेंट जो है वो हो सके। तो नेक्स्ट वन इज़ ट्रस्टीशिप काउंसिल। दिस काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड प्रोवाइड सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरेटरीज that had been placed under lie administration of 7 member states। और ये जो है 11 trust territories की supervision के under जो है वो बनाया गया है जो trusteeship council है। और इसमें 7 member states जो है वो इस प्रशासन में, इसके प्रशासन में जो है वो 7 members जो हैं होते हैं। next one is all lie 11 trust territories had attained independence by 1994, so on 1 November 1994, the council suspended its operation। जो ये 11 ट्रस्ट टेरिटरीज हैं वो इंडिपेंडेंस जो उनकी आज़ादी हुई थी 1994 में, इस वजह से जो है वो उस दिन जो है वो कोई भी काम नहीं करते। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज़ अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN। और जो UN है वो हमारा एक जुडिशियल ऑर्गन भी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू हम बहुत सारे जो मुद्दे हैं स्टेट से रिगार्डिंग जो है उनका न्याय जो है वो करवा सकते हैं। इट्स लोकेटेड एट द पीस पैलेस इन द हेग्यू। और ये कहाँ पे है? हेग्यू में, पीस पैलेस में। इट्स रोल इज़ लाइक ऑल कोर्ट टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। ये क्या करता है कि सभी जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सेटल किया जाता है इंटरनेशनल लॉ के रिकॉर्डिंग। सो द नेक्स्ट वन इज द सेक्रेटेरिएट। इट कंप्राइजेज ऑफ द सेक्रेटरी जनरल एंड इंटरनेशनल UN स्टाफ मेंबर्स। इसमें जो है सेक्रेटरी जनरल भी होता है और UN के स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं। दीज स्टाफ मेंबर्स कैरी आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द UN। और जो ये क्या करता है, जो भी काम होता है UN का, मतलब कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो UN के काम करते हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन द जनरल असेंबली। जो सेक्रेटरी जनरल होता है 5 साल के लिए जो है अपॉइंट किया जाता है
और वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो है रिकमेंडेशन पर काम करता है, किसमें? जनरल असेंबली में। पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, अब ये जो लीग ऑफ नेशन है या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इसीलिए बनाया गया था कि इंटरनेशनली जो है वो पीस बना रहे। सो द मोस्ट फंडामेंटल एम ऑफ द यूएन इज़ टू इंश्योर वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मेन इनका एम ये था कि वर्ल्डली जो है वो शांति बनी रहे, उनकी डेवलपमेंट हो, जितनी भी जो हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी भी जो है वो डेवलपमेंट हो। पीस कैन बी डिस्क्राइब सिंपली एज फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस एंड वॉर। और शांति को हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी भी तरीके की जो है वो हिंसा ना हो, किसी भी तरीके का जो है वो युद्ध ना हो। डिवेलपमेंट इन द 21st सेंचुरी नॉट ओनली रेफर्स टू द डिवेलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंश्योरिंग दैट द सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेट। और जो विकास है 21st सेंचुरी मॉडर्न सेंचुरी है, इसमें डिवेलपमेंट का मतलब यही नहीं है कि इंडस्ट्री जो है वो विकास होना चाहिए, साइंटिफिकली विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली जो है विकास होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स, जो टिकाऊ विकास है वो भी होता है। टू इंश्योर बोथ दिस गोल्स आर मेट द यूएन पीस एंड डिवेलपमेंट ट्रस्ट फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। और इसी एम्स के लिए, इसी गोल्स के लिए जो यूएन पीस एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट है वो 2016 में बना था। द कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस फंड इज गवर्नमेंट ऑफ चाइना विच हैज़ प्रोमिस्ड $200 million ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। और इसके जो कॉन्ट्रीब्यूटर थे चाइना, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, जिन्होंने कहा था कि वो $200 million जो है वो 10 साल के अंदर देंगे। UNDF had two sub funds. The Secretary General Peace and Security sub fund managed by the Executive Office of Lai Secretary General. तो जो Secretary General है वो क्या काम करता है, जो peace है और security जो है वो बनी रहे, और इसको manage करने के लिए Executive Office होता है कहाँ पर? Secretary General के पास। The next one is the 2030 Agenda for Sustainable Development sub-fund managed by Department of Economic and Social Affairs। और जो इनका 2030 Agenda है टिकाऊ विकास के लिए, ये सब जो है वो इकोनॉमिक और सोशल अफेयर का जो डिपार्टमेंट है वो देखता है। सो आज हमने UN के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर थी तब उसके बाद शांति बनाए रखने के लिए जो है लीग ऑफ नेशन बना, फिर उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो तब शांति बनाए रखने के लिए जो है वो UNO बना। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।